नमस्कार, मैं हूं धनश्री। के आर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के हनुमान ताल में बॉलीवुड फिल्म देखकर चार युवकों ने अपने ही दोस्त की हत्या का प्लान बनाया और उसे अमली जामा भी पहना दिया, लेकिन किस्मत से दोस्त की जान बच गई और उसने अपने दोस्तों की करतूत की कलई पुलिस के सामने खोल दी। पुलिस ने दगाबाज तीन दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक अभी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। हनुमानताल थाना क्षेत्र के लाल मैदान में 10 जनवरी की रात बदमाशों ने इब्राहिम नाम के युवक पर फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश की, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की है और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें बाइक सवार दो युवक फायरिंग करते हुए और भागते हुए दिखाई दिए। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि घटना करीब रात बजे 1:15 की है और मोहल्ले के आकिब ने उसके भाई इब्राहिम उर्फ इमरान को फोन करके बुलाया था, जहां इब्राहिम के पहुंचते ही उन्होंने तौसीफ और सोहेल ने फायरिंग कर उसे घायल कर दिया और वापस इंदौर भाग गए। दो दिन पहले ही तौसीफ और सोहेल जबलपुर पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने तलाश कर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी तौसीफ, जो वारदात का मास्टरमाइंड है, वो बीई किया हुआ है तथा एलएलबी कर रहा है। वही सोहेल ने भी बीई किया हुआ है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। लाल मैदान के पास एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी थी पैर में। उस वहाँ चार गोलियाँ चली थी, तो उसमें उसके बाद जैसे ही पुलिस को खबर मिली तो उसमें जो घायल था इमरान, उसके भाई सरवर की ओर से पुलिस ने धारा 307 34 120 25 27 आर्म सेट का अपराध पंजीकृत किया गया था और पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही थी। उसके बाद पुलिस ने उसके ही एक उसके साथ वाले एक व्यक्ति से बातचीत की, उसका नाम है आकिब। तो आकिब से जब पूछताछ की तो उससे पता चला कि उसके दो दोस्त और हैं, जो तौसीफ अहमद और सोहेल अहमद ये और दानिश अहमद, इन्होंने मिलके इसके इमरान के खिलाफ साजिश की थी यह, और इसको मारने का प्रयास किया था। यह पूरी साजिश इस प्रकार थी कि आकिब और इमरान की ज़मीनी विवाद है और पुरानी दुश्मनी चल रही है, उस वजह से इन्होंने की। इन्होंने आज घटना से 15 दिन पूर्व ही यह प्लानिंग की थी और प्लानिंग इन्होंने एक पिक्चर मूवी के तहत की, जैसे मूवीज़ में होता है। इनके दो लोग जो थे, तौसीफ अहमद और सोहेल अहमद, ये दिनांक 7 को रात को यहाँ से चले गए थे इंदौर। उसके बाद वो इंदौर ही रहे। इंदौर में ये 8 को रात को इंदौर से यहाँ जबलपुर आए, 9 को सुबह यहाँ पहुँचे। यहाँ एक होटल में रुके, रानीताल में होटल शकुन में। वहाँ पे फिर इन्होंने रुकने के बाद रात में वहाँ से निकले। वहाँ से इनको इनके दोस्त आकिब जो है, उसने एक FZ गाड़ी उपलब्ध कराई और 9 की रात को 9 और 10 के दरमियान इन्होंने घटना कारित की और उसी के बाद 10 रात को 3 बजे वापस निकल गए इंदौर के लिए और इंदौर से ये दिल्ली चले गए थे। इस दौरान इन्होंने जो इनके ओरिजिनल मोबाइल थे वो भी इंदौर ही रख दिए थे ताकि किसी को पता ना चले, और ये दूसरा कीपैड मोबाइल चला रहे थे। उसके बाद फिर इनका मोबाइल कंटिन्यूसली चल रहा था। फिर कल इनकी लोकेशन यहाँ की मिली थी तो पुलिस ने इनको यहाँ पकड़ा, इनसे पूछताछ की, आकिब से पूछताछ की, तो ये पता चला कि इन्होंने इस तरह की प्लानिंग की है और उसमें इनके पास से एक जिंदा कारतूस मिला, एक पिस्टल मिली है, एक जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल जब्त हुए हैं। और जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी थी MP17 MZ 4969, ये भी जब्त हुई है। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।